नमस्कार दोस्तों, फौजी बाबा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप धन्यवाद, आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो इसी के लिए हम लेके आते हैं आपके लिए फ्रेश नए नए टॉपिक पे वीडियो। आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ रहे हैं टोल टैक्स के ऊपर में। आपको पता है कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि टोल टैक्स क्रॉस करने के इतने पैसे लग जाते हैं और कई लोग बाईपास करते हैं। कईयों को लगता है कि ये हमारी टोल लग गई तो हमें तो हमेशा की परेशानी होगी। तो भारत सरकार एक लेके आ रही है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS। इससे क्या है कि आपको जितना रोड एक्चुअल यूज करेंगे उसके मुताबिक ही टोल देना पड़ेगा। तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अभी जैसे देखिए कि टोल में एक्ट में जो पहले टोल एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी। जैसे मैं लुधियाना की बात करता हूँ, लुधियाना से अगर फ्लोर आपने जाना है 15 किलोमीटर है तो टोल टैक्स का बैरियर आ जाता है सतलुज ब्रिज के पास, और एक साइड की टोल बहुत महंगी टोल है 220 रुपये लग जाती है। 220 रुपये आपको देने पड़ते हैं 15 किलोमीटर ट्रैवल की। दूसरी तरफ अगर लुधियाना से पटियाला जाते हैं 100 किलोमीटर तो एक भी टोल नहीं आता है। तो इस तरह के जो लूप होल थे कई लोगों पे ज़्यादा बोझ पड़ता था, कईयों पे नहीं पड़ता था। तो भारत सरकार ने एक नया सिस्टम जो सैटेलाइट बेस्ड है उसके ऊपर डेवलप किया है, और दो रोड जो है अभी बेंगलोर मैसूर और जो रोहतक पानीपत, इन दो हाईवे के ऊपर इसके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं। टोल एक्ट अमेंड कर दिया गया और ये सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे जितनी आप रोड की यूजेज करेंगे आपको उतना ही टोल देना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जो बाईपास है वो बंद हो जाएंगे। कई लोगों ने टोल के पास, उनको पता था कि गांव की सड़कों के अंदर से घुमा के ले लो शायद तो हमारा टोल बच जाएगा। हालांकि फायदा कुछ नहीं होता कि इतने लोग वहां से उस शॉर्टकट को लेते हैं कि रोड बिल्कुल टूटी हुई होती है, तो आपका जो तेल का खर्चा है वो टोल से कई बार ज़्यादा हो जाता है। तो और सड़कें भी जो छोटी सड़कें हैं जो इतना लोड कैरी नहीं कर सकती उनकी भी बर्बादी होती है। तो अब जो सिस्टम है काफ़ी बेहतर है जो सैटेलाइट बेस्ड है, पर इसके लिए आपको जो अभी नए गाड़ियां बनेगी उनमें एक गैजेट जो पहले से लगा होगा, पुरानियों में आपको लगाना होगा। अब ये किस तरह काम करेगा और कैसे इसको हम यूज कर पाएंगे? नंबर वन, ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा। जब आप टोल रोड के ऊपर चलेंगे तो आपको जितने किलोमीटर बाद आप टोल रोड से बाहर गए आपका जो उतना ही टोल कटेगा। आपकी गाड़ी GPS से मॉनिटर होगी, सैटेलाइट से, कोई सिम नहीं लगेगा, एक गैजेट होगा जो डायरेक्ट सैटेलाइट से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। तो इसमें कई लोग सोचेंगे कि अभी हमें तो बड़ी प्रॉब्लम है, पहले तो हम थोड़ा सा रोड यूज करते थे, नहीं करते थे। तो डेली कम्यूटर हैं उनके लिए एक प्रोविजन है कि 20 किलोमीटर हाईवे पे आप एक साइड जाएं और एक साइड आएं, यानी 40 किलोमीटर अगर आना जाना करते हैं तो आपको कोई टोल नहीं देना पड़ेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली डिडक्ट करेगा। जैसे अभी फास्ट टैग में अगर 24 घंटे के अंदर आप वापस आते हैं तो रिटर्न की आधे पैसे कटते हैं। तो इसी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम होगा और उसमें जो 20 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं लगेगा। पर अगर 20 किलोमीटर से आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो टोल लगेगा, और उसमें ये पहले वाले 20 किलोमीटर भी शामिल होंगे। ये नहीं है कि आप 20 किलोमीटर उसमें से कम कर देंगे, फिर रुक के बाहर गए और फिर दोबारा आए तो 20 किलोमीटर काउंट होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप, क्योंकि पूरी की पूरी गाड़ी जो है सैटेलाइट से मॉनिटर होगी। अब फास्टैग और ये जो GNSS है इसमें क्या डिफरेंस होगा, कैसे आप टोल पोस्ट पर कैसे मैनेज करेंगे? जो एग्जिस्टिंग टोल पोस्ट है, हर टोल पोस्ट पर एक लेन होगी जो GNSS के लिए होगी, स्पेशल डेडिकेटेड लोन होगी। फास्टैग जैसे अगर उसके GNSS नहीं होगा तो डबल पेनल्टी उसको वहां पे लगेगी। अगर वो होगा तो उसमें फास्टैग रीडर होगा, आपकी गाड़ी उसमें बड़ी स्पीड से निकल जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपकी गाड़ी सैटेलाइट से मॉनिटर होगी। एक बड़ा एडवांटेज इसमें और भी होगा, सरकार का रेवेन्यू कई गुना बढ़ेगा, क्योंकि अभी कुछ लोग उसको बाईपास करते हैं, कुछ लोग रोड इस तरह से, एक टोल पोस्ट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है उसको अवॉइड करने से सारी रोड यूज कर लेते हैं पर टोल नहीं देते। भारत सरकार की जो टोल टैक्स की कलेक्शन है ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाने वाली है, सरकार को होने वाला है बड़ा फायदा और आपकी कटने वाली है जेब। अगर आप टोल पोस्ट के आसपास रहते थे तो आप पे बहुत बड़ा बोझ पड़ता था, आपको देनी पड़ती थी बहुत ज़्यादा टोल, आपके लिए रिलीफ। और जो ऐसे स्ट्रेच में रहते थे जहाँ टोल पोस्ट नहीं थी
उनकी कटेगी जेब, इसमें कोई बच नहीं पाएगा। एक और एडवांटेज इसमें सरकार को मिलेगा, अगर आपने ओवर स्पीडिंग करी तो सैटेलाइट से आपका चालान भी साथ ही साथ कट जाएगा। जब भी आप ओवर स्पीडिंग करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट आपकी स्पीड भी रोड के हिसाब से मॉनिटर करेगा, उस रोड के ऊपर अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो जो 150-200 पे गाड़ियां भगाने वाले थे उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। और धीरे धीरे ये सिस्टम फास्टैग की तरह मैंडेटरी हो जाएगा, नई गाड़ियों में तो ये गैजेट जो है लग के ही आएगा, ऑन बोर्ड कंप्यूटर के साथ ही उसकी एक चिप जो उसमें एम्बेडेड होगी, पुरानियों में रेट्रोफिटिंग होगी, जो इसमें चाहता है वो लगाएगा और साथ साथ फास्टैग भी चलेगा। धीरे धीरे जिनको ज़्यादा इससे फ़ायदा लगता होगा वो लोग ज़रूर लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अगर फिलौर जाना है तो मैं 15 किलोमीटर की टोल दूंगा लुधियाना से, ना कि मैं पूरे स्ट्रेच की लुधियाना से लेके जलंधर तक की टोल दूंगा और 220 रुपये टोल दूंगा, तो शायद मेरी टोल 15-20 रुपये हो जाएगी, तो एक बड़ा फ़ायदा भी होने वाला है रेगुलर यूज़र को। तो देखते रहिए हमारी वीडियो, हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए। जय हिंद।